हाय फ्रेंड्स, मैं अनिल आज आपको फाइल सर्वर स्टैंड अलोन कंप्यूटर पे कैसे इंस्टॉल करते हैं ये बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये सर्वर 2008 वर्चुअल कंप्यूटर्स पे है और ये उबंटू नहीं है, ये विंडोज 7 है। ये विंडोज 7 हमारा क्लाइंट है। तो सर्वर, मेरे पास ये सर्वर है, सर्वर को एक्सेस करते हैं। इसके लिए फाइल सर्वर इंस्टॉल करने के लिए स्टार्ट मेन्यू पे जाते हैं और सर्वर मैनेजर पे क्लिक करते हैं। ये सर्वर मैनेजर है, रोल ऑप्शन है, रोल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऐड रोल पे क्लिक करेंगे। देन नेक्स्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं बिगिन, बिफोर यू बिगिन, बिगिन करने से पहले आपको क्या करना है, ये विजार्ड आपको ये बता रहा है, दिस विजार्ड विल हेल्प यू इंस्टॉल रोल्स ऑन दिस सर्वर। ये विजार्ड हेल्प करेगा आपको कैसे कैसे इंस्टॉलेशन होना है। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि हमें एक्चुअली क्या करना है। नेक्स्ट, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोल्स हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ रोल 16 है। तो यहाँ से हमें फाइल सर्वर पिक करना है, फाइल सर्विसेज पे टिक करेंगे। देन नेक्स्ट क्लिक करेंगे। फिर फाइल सर्वर, व्हाट इज फाइल सर्वर, क्या होता है, फाइल सर्विसेज प्रोवाइड टेक्नोलॉजी दैट हेल्प मैनेज स्टोरेज, इनेबल फाइल रेप्लिकेशन, मैनेज शेयर्ड फोल्डर, इंश्योर्स फास्ट फाइल सर्चिंग एंड इनेबल एक्सेस फॉर यूनिक्स क्लाइंट कंप्यूटर्स। यानी फाइल सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जो यूजर्स को शेयर्ड फोल्डर एक्सेस कराता है। यानी यूजर्स जो होते हैं, अगर उनको फाइल सर्वर पे पड़ी हुई चीज़ें एक्सेस करनी है या रिमोट कंप्यूटर से चीज़ों को एक्सेस करना है, फाइल और फोल्डर को एक्सेस करना है, तो उसके लिए फाइल सर्वर की ज़रूरत होती है। और फाइल सर्वर ये भी आपको इनेबल कराता है, यूजर्स को इनेबल कराता है कि अगर यूनिक्स कंप्यूटर यूज़ हो रहा है तो उनके बीच में भी फाइल की शेयरिंग हो सकती है। और फाइल फास्ट एक्सेस करना, साथ में इंडेक्सिंग करना भी फाइल सर्वर का काम होता है। और ये फाइल एप्लीकेशन भी सपोर्ट करता है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल सर्वर के अंडर में आप क्या क्या कर सकते हैं। फाइल सर्वर डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम भी सपोर्ट करता है। देन फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर, इसके थ्रू आप फाइल कोटा लगा सकते हैं, फाइल और फोल्डर पे कोटा लगा सकते हैं। फाइल स्क्रीनिंग ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और NFS भी यहाँ से कर सकते हैं आप, सर्च इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप विंडोज 2003 फाइल सर्विसेज करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं ओल्डर वर्जन, तो यहाँ से वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी हमें फाइल सर्वर करना है। नेक्स्ट, आगे के सेशन में हम डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम पढ़ेंगे और फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम फाइल सर्वर पे बाय डिफॉल्ट टिक है, इसको टिक रहने देते हैं और नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कन्फर्मेशन विजार्ड आ रहा है। इस कन्फर्मेशन विजार्ड पे मैं इंस्टॉल बटन पे क्लिक करता हूँ, ये इंस्टॉलेशन इनिशिएट हो रहा है, यानी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रहा है फाइल सर्वर रोल का। वैसे तो फाइल सर्वर, अगर आप किसी भी फोल्डर को सर्वर पे शेयर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट फाइल सर्वर इंस्टॉल हो जाता है। पर यहाँ से रोल से जाके आप डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, ये फ़ायदा होता है फाइल सर्वर को इंस्टॉल करने का। तो फाइल सर्वर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, अब कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। फाइल सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए स्टार्ट मेनू पर क्लिक करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे जाएंगे। यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा शेयर एंड स्टोरेज मैनेजमेंट। शेयर एंड स्टोरेज मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। देन आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट पेन में ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट टू अनदर सर्वर, प्रोविजन स्टोरेज एंड प्रोविजन शेयर्स। तो अभी हमें किस फोल्डर या फाइल को, अगर हमारे पास कोई अलग से ड्राइव को हम शेयर करना चाहते हैं,
एक्चुअली फाइल सर्वर का काम होता है शेयरिंग और उस पर कंट्रोलिंग करना। तो हम फोल्डर को शेयर कर सकते हैं या पूरी की पूरी ड्राइव को भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कभी फोल्डर शेयर कर रहा हूँ, तो प्रोविजन शेयर्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर जिस फोल्डर को आपको शेयर करना है, ब्राउज करके उस फोल्डर को ड्राइव के अंदर, ये सी ड्राइव है हमारे पास, सी ड्राइव के अंदर मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ जिसका नाम मैं दे रहा हूँ फाइल सर्वर वन। तो ये फाइल सर्वर वन फोल्डर है, इसको सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, देन नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से ऑप्शन आप देख रहे हैं कि फाइल सर्वर वन जो कि जिसका पाथ है सी ड्राइव के अंदर है फोल्डर, अगर आप उस पर NTFS परमिशन सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से यस करिए। अगर आप डिफ़ॉल्ट परमिशन रखना चाहते हैं तो आप नो करिए। तो यहाँ पर यस करते हैं और एक बार NTFS परमिशन भी चेक करते हैं, एडिट परमिशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर्स के लिए बाय डिफ़ॉल्ट रीड एग्जीक्यूट लिस्ट फोल्डर कंटेंट एंड रीड फोल्डर का ऑप्शन दिया हुआ है। और यहाँ से अगर आपके पास कोई स्पेशल यूज़र है, मैं एवरीवन को यहाँ से मैं एवरीवन सेलेक्ट कर रहा हूँ और एवरीवन को मैं रीड एग्जीक्यूट की परमिशन दे रहा हूँ और मॉडिफाई की भी परमिशन दे रहा हूँ ताकि फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल या चेंजेस कर सके। नेक्स्ट करते हैं, देन नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर सेलेक्ट ईच प्रोटोकॉल ओवर विच यूजर्स कैन एक्सेस दिस फोल्डर्स, शेयर फोल्डर्स। तो अगर विंडोज़ के बीच में शेयरिंग होती है तो यहाँ पर SMB प्रोटोकॉल यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम SMB प्रोटोकॉल इनेबल करते हैं ताकि विंडोज़ के जो क्लाइंट हैं वो इस फाइल सर्वर को एक्सेस कर सकें। NFS अगर इंस्टॉल होता है तो यहाँ से NFS भी आप यूज़ कर सकते थे, जो विंडोज़ और यूनिक्स और लाइनक्स के बीच में शेयरिंग हो सकती है। तो अभी हम विंडोज़ शेयरिंग सीख रहे हैं तो SMB ही रहने देते हैं, देन नेक्स्ट करते हैं। यहाँ अगर आप ऑफलाइन शेयरिंग इनेबल करना चाहते हो तो एडवांस ऑप्शन पे जाके यहाँ से आप कैशिंग ऑप्शन से जाके ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हो जिससे कि हमारा जो फाइल सर्वर है वो ऑफलाइन अवेलेबिलिटी भी देगा। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं ऑफलाइन। तो अब इस केस में हमारी फाइल्स जो हैं, लिखा हुआ है फाइल्स एंड प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली अवेलेबल ऑफलाइन, देन नेक्स्ट करते हैं। और यूज़र लिमिट दिया हुआ है मैक्सिमम अलाउड, मैक्सिमम यूज़र की लिमिट मैक्सिमम अलाउड है। एडवांस से जाके आप यूज़र लिमिट भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ यूज़र एट ए टाइम कितने एक्सेस करें वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं मैक्सिमम अलाउड करता हूँ डिफ़ॉल्ट पे ही, देन नेक्स्ट करते हैं। देन यहाँ से आप शेयर परमिशन, यहाँ से पहले जो परमिशन थी वो NTFS परमिशन थी, ये यहाँ से आप परमिशन जो देख रहे हैं वो शेयर परमिशन है, यानी शेयरिंग की परमिशन अलग है और NTFS परमिशन अलग है। तो यहाँ से मैं बाय डिफ़ॉल्ट रीड है तो मैं यहाँ चेंज ऑप्शन भी सेलेक्ट करता हूँ ताकि कोई फाइल फोल्डर में चेंजेस भी हो सकें, देन नेक्स्ट करते हैं। यहाँ दे रहा है DFS नेम स्पेस पब्लिशिंग, इट मीन्स कि आप अगर DFS यूज़ करते हैं तो ये ऑप्शन आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी मैं DFS नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिंपल फाइल शेयरिंग कर रहा हूँ, फाइल सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करते हैं, इस ऑप्शन को हम बाद में सीखेंगे, क्रिएट करते हैं। तो ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गया हमारा फाइल सर्वर। अब इस विजार्ड को हम फाइल शेयर एंड स्टोरेज मैनेजमेंट विजार्ड को क्लोज करते हैं। इस तरीके से हमारा फाइल सर्वर क्रिएट हो चुका है। अभी इसको चेक करना है कि ये फाइल सर्वर हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी हम क्लाइंट PC पे जाते हैं और क्लाइंट PC पे फाइल सर्वर को एक्सेस करते हैं। तो ये हमारा क्लाइंट PC है, इसमें लॉग इन लेते हैं। अब फाइल जो कि फाइल सर्वर पे पड़ी हुई है उसको एक्सेस करने के लिए विंडो प्लस आर यानी रन पे जाएंगे, यहाँ पे डबल बैकवर्ड स्लैश देंगे और IP एड्रेस डालेंगे सर्वर का। सर्वर का IP एड्रेस है 192.168.0.1, एंटर प्रेस करेंगे। तो ये सर्वर का यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहे हैं। फिलहाल अभी तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर से ही एक्सेस ले रहा हूँ, आपको एडमिनिस्ट्रेटर की बजाय एक और यूज़र बनाना है उसके थ्रू एक्सेस लेना है।
एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखिए फाइल सर्वर वन। तो ये फाइल सर्वर अवेलेबल है, तो यहाँ से हम कोई फाइल और फोल्डर क्रिएट भी कर सकते हैं और उसके अंदर कोई चेंजेस भी कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना रहा हूँ, और इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ, और एक बार चेक करते हैं सर्वर पे। ये सर्वर पे मैंने सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाया था फाइल सर्वर वन, उसके अंदर ये देखिए क्लाइंट ने जो फाइल बनाई है वो यहाँ पर आ गई है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। तो ये था फाइल सर्वर, सिंपल फाइल सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, NTFS परमिशन कैसे सेट करते हैं, SMB परमिशन कैसे सेट करते हैं। और अगर इस फाइल सर्वर में आपको कोई भी दोबारा से चेंजेस करने हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, तो आप दोबारा से आप स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे जाएंगे, शेयर एंड स्टोरेज मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ये विजार्ड खुल के आएगा और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर शेयर एंड स्टोरेज मैनेजमेंट विंडो पे यहाँ पर फाइल सर्वर वन ये आपका फोल्डर, इस पर डबल क्लिक करते ही इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी जो आप क्रिएट करते समय। यहाँ आप शेयरिंग ऑप्शन ऑफलाइन है, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर परमिशन है, NTFS परमिशन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये परमिशन आप चेंज कर सकते हैं, और NTFS परमिशन पे क्लिक करेंगे तो ये आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे फाइल सर्वर क्रिएट करते हैं। तो थैंक यू फॉर विजिटिंग माई ब्लॉग।